लीडर जिनको मैसेज किया है जी, तो थोड़ा सा पीएल रेड्डी जी को बुलाइएगा। पीएल रेड्डी, पीएल रेड्डी, पीएल रेड्डी जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। पीएल रेड्डी जी अपना हैंड रेज करिए सर। पीएल रेड्डी जी आपने मैसेज किया था, आपके सवाल को अगर क्लियर करना है तो आप हैंड रेज जरूर करिए, अन्यथा आप ऐसे ही मैसेज न करा करिए, क्योंकि व्यर्थ है आपका मैसेज करना, तो आप जरूर हैंड रेज करिए। पीएल रेड्डी नेक्स्ट लीजिए सर, नेक्स्ट लीजिए सर, कोई नहीं जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हैंड राइज हैं, सभी को ले लूंगा मैं। तो गुड्डू झा, गुड्डू झा जी प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड्डू झा नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर। गुड्डू जी सर, फार्मिंग कैसे किया जाता है सर, यूएजीटी खरीदना होगा हमें सर? आपने फार्मिंग करी या नहीं अभी? नहीं सर, नहीं किया अभी, नहीं किए हैं सर। हेलो, तो सर आपको जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दीपक रंजन सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, इनको फार्मिंग के बारे में थोड़ा बताइए जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गुड्डू झा जी, आपको फार्मिंग के बारे में कहाँ से पता लगा? सर थोड़ा सा नेटवर्क में आई आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है। टाइम जी जी, आपको फार्मिंग के बारे में बताया कि उसमें जब रहा था सर, 25 तारीख को फार्मिंग स्टार्ट होगी। चलिए कोई नहीं, आपके सीनियर कौन है, अपने अप्लाइनों का नाम जरूर बताया करें, ताकि मंच पे भी लोग जान पाए कि किन के टीम से कौन से साथी आते हैं मंच पे। जी मेरा सर वो वहाँ का है सर, पुड़ैया का है, झारखंड पुड़ैया का है। ओके, नाम भी बता दिया करें ताकि वो सुने तो उनको भी महसूस हो। संदीप सर, ओके, संदीप सर जी सर। ओके ठीक है, तो आपने कितना डॉलर रखा है फार्मिंग के लिए? नहीं सर अभी मेरे पास है नहीं, हम लेके करना चाह रहे हैं। चलिए कोई नहीं, तो आप $30 से फार्मिंग कर सकते हैं और $60 से फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। $30 से अगर आप फार्मिंग करेंगे 1.0 में, तो आप $100 का जो क्वाइन है वो परचेज करने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, और अगर आप $60 2.0 में आप फार्मिंग करते हैं तो आप $300 का जो कॉइन है वो परचेज करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। फार्मिंग का ऑप्शन जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं, खोलते ही जो तीन डॉट आता है, तीन डॉट को जब क्लिक करते हैं, जहां से हम फंड एरिया के लिए डॉलर ट्रांसफर करते हैं या आपस में लेन देन करते हैं, वहां पर पहले ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन आपको नीचे दिखाएगा फार्मिंग का, उस फार्मिंग पे जाके बाय फार्मिंग यानी परचेज फार्मिंग का ऑप्शन आएगा, बाय फार्मिंग का, वहां से जाकर फार्मिंग कर सकते हैं। $30 का पहला ऑप्शन आएगा, जब उसको क्लिक करेंगे तो दूसरा $60 का भी ऑप्शन आपको वहीं पर दिखाएगा, क्लियर है? जी सर, जी सर। यूएसडीटी से होगा ना सर? यूएसडीटी हमको बिनांस से खरीदना होगा। जो तालमेल लाइफ से आप जो डॉलर से अभी काम कर रहे हैं, जिस डॉलर से आप लेन देन कर रहे हैं, उसी डॉलर से होगा। जी सर, जी सर, क्लियर है? जी सर, जी सर, बस यही लेना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इनके सवाल का जवाब दिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजू जी, राजू प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है राजू जी। राजू जी मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इजहार आलम,
इजहार आलम जी प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है इजहार आलम जी। जी सर, मोस्ट वेलकम सर, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं ये जान रहा था कि जैसे हम लोगों को फार्मिंग का मौका मिलेगा कॉइन परचेस करने के लिए, तो कॉइन जो परचेस करेंगे तो वो फंड वॉलेट का जो डॉलर है वो काम करेगा या फिर हमको कहीं और से परचेस करना होगा? जी सर, इसका जवाब देने, आपका जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दीपक रंजन सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। ओके मैं ये कह रहा था कि हम लोग फार्मिंग के लिए तो कॉइन परचेस करेंगे ना सर, तो कॉइन जो परचेस करेंगे तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो डॉलर हमारा कौन सा काम करेगा? जो फंड वॉलेट में रहेगा वो करेगा या हमको डायरेक्टली बाइनेंस से खरीदना पड़ेगा? अभी तक फार्मिंग के लिए तो आप जो डॉलर यूज कर रहे हैं वही डॉलर यूज होगा, बाकी जो कॉइन के लिए डॉलर आपका यूज होना है वो जब कॉइन लॉन्च होगा तो जिस ब्लॉक चेन पे कॉइन लॉन्च होगा उस ब्लॉक चेन के ऊपर बीयूएसडी या ब्लॉक चेन या बीएनबी होगा, जो भी होगा उस चेन के हिसाब से आपको जो है बता दिया जाएगा, उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपको बाय करना होगा। जो आप अपने डॉलर है कैल्विन लैब के, उस डॉलर से भी आप चेंज करके आप उस कॉइन को बाय कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट दीपक सर, थैंक यू सो मच। दीप सर, जी सर, सर बीबी के स्मार्ट चेन पे वेब के इसको दे पाएंगे। ठीक है सर, वेब 20 यूएसडीटी उसको बांधने के लिए कॉइन को बांधने के वेब 20 का यूएसडीटी स्मार्ट यूज करेंगे और उसमें जो गैस कटती है यानी उस स्मार्ट चेन को यूज करने के लिए, उस तरीके को यूज करने के लिए बीबी का स्मार्ट चेन बीबी पर होगा। सर बीपी का जो है ना, बीईपी का जो बेप कॉइन है उससे आप बीप का यूएसडीटी है उससे आप बाय कर पाएंगे, उसका जो ब्लॉक है ना बीप का, बीईपी 20 जी जी बीप 20 उससे आप बाय कर पाएंगे, उसी ब्लॉकचेन पे ये लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सेशन है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि दोस्तों एक जो क्वेश्चन आता है उसमें कई लोगों के आंसर मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंकुल कुमार मौर्य जी प्लीज, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है अंकुल कुमार मौर्य जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आ गए सर अंकुल कुमार जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप। हेलो सर, जय टाल्वी लाइफ, जय टाल्वी लाइफ। हेलो सर, आवाज आए? बिल्कुल आवाज आ रही सर, आ रही आ रही सर, बोलिए सर। सर जी मेरा क्वेश्चन है कि सर नेटवर्क में आइए सर, आपकी आवाज कट रही है। बता रहा था कि हमारे आईडी ओपल में, हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आप नेटवर्क में आइए सर, नेटवर्क तो सर अब आ रही सर,
जी 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 अब आ रही बोली सर। मेरा सवाल है कि हमारी आईडी 1.0 में लगी है तो हमारे हमारे ब्लाइंस साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या मैं दूसरी आईडी ले सकता हूँ, वो आईडी छोड़ दूँ? जी सर, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं आमद करना चाहूंगा हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं भूपेंद्र सिंह सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आप आइए मंच पर। हेलो, चलिए अंकुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके अपलाइन अगर आपको साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए, उसी पे आप काम करिए और इस मंच के ऊपर आप पर्दे आइए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं और आपको बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और कभी ना कभी आप ही तो एक बड़े लीडर बन के खड़े हो जाएंगे। तो आप धैर्य रखिए। तो अभी सर इतना जी जी बोलिए 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 सर। एक हमारे साथी मिले थे राजकुमार जी विश्वा खुर्दे से, मैं तंबोर से हूँ जी, तो बता रहे थे कि अगर जो काम करना है तो मेरे डाउन में आ जाइए और आईडी लगवा के फिर फार्मिंग करिए $30 से। तो क्या सर मैं दूसरी आईडी करूं सर, या किसी को? सर मैं का जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमित मौर्या सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। ये बहुत असमंजस में इनका थोड़ा सवाल का क्लियर कीजिए। जी आपके जो अप्लाई है उनसे क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम है वो तो 2.0 में लगे थे तो हमने हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हम नहीं लगाए थे, तो सर इसमें काले ही नहीं करते हैं, वो पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि मर्जी हो आप लगाइए, तो हम सर इतना चला भी नहीं पाते हैं मोबाइल, तो इसीलिए दूसरे का सपोर्ट लेना चाहते थे, तो इसीलिए इस मंच पे आपको सिखाया जाएगा आप क्यों बार बार कहीं आईडी और लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो राजकुमार बोले सिखाएंगे सर, ठीक है, जहाँ पे आपकी आईडी लगी वहीं पे लगी रहेगी, ठीक है, काम कीजिए उस पर, ठीक है सर। तो सर वो बोले सर, हेलो सर, यहाँ हमने ये मंच इसलिए चलाया हुआ है कि आप सीखो, ठीक है, जिसका प्लान नहीं है क्या वो काम नहीं करता है क्या? जब हम सिखा रहे हैं तो आप सीखने के तैयार को नहीं है सर, आप सीखे फार्मिंग कीजिए, अभी आप पे मैसेज पहुंच जाएंगे 10-20 के, हाँ मेरे नीचे आ जाओ मेरे नीचे आ जाओ, पहुंच भी चुके होंगे जबकि कुछ लोगों के, प्लीज सर ऐसी बातें मंच पर मत किया कीजिए जिससे कि आपका नुकसान हो। वो बात आप जो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं उसको सीखिए, आप फार्मिंग कीजिए सर, $30 से फार्मिंग कीजिए, आप बताओ क्या सीखना है, अपलाइन कैसे क्या कराना है, आपको अपने पैसे खर्च करने हैं ना सर, डॉलर आप अपने खर्च करेंगे तब आप फार्मिंग कर पाएंगे सर, उसमें अपलाइन क्या करेंगे अंकुल? अब सर जी प्लीज मलिक सर, सर आप मलिक सर अंकुल सर, आप जिस अपलाइन को जानते हो जो आपका पड़ोस का है उससे अपना संबंध अच्छा करो सर, जरूरी नहीं है आप उनसे सीख सर, उनसे बोलो भैया आप हम लाए हो आपको सिखा, माँ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, थोड़ा सर उनको सम्मान देंगे ना सर। देखिए अंकुल जी मुझे पता है आपके अंदर सर जो अंकुल जी थोड़ी सुन तो लो सर, तो क्या बोलो सर यार सुनकर सुन तो अंकुल बोलो
दूसरे अप्लायंस से बात की, वही लोग हमारे। अच्छा तो दूसरा वाला इस बात को भाई इस दूसरे वाले के पास जाओगे अगर वो साथ नहीं देगा तो फिर किसके पास जाओगे? तो वही हमारे जो पहले वाले अप्लाई के माथे किसी के माथे पे लिखा है क्या कि वो साथ देगा कि नहीं देगा? आप खुद लीडर बनो ना सर। आपको लग रहा है कि आप काबिल हो, आपको लग रहा है कि आप इस सिस्टम से पैसा बना सकते हो, आपको लग रहा है कि सिस्टम ईमानदार है, देता है, तो आप खुद काबिल बनो सर। आप खुद लीडर बनो ना, किसी के सहारे क्यों पैसा की का सहारा ले रहे हो? आपको नहीं आता, दुनिया में बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं आती है। आदमी जब पैदा होता है तो बिना कुछ ज्ञान के ही पैदा होता है। अरे सीखो सर दुनिया में। आप मोबाइल लेके अगर यहाँ बैठे हो तो ये भी तो टेक्निकल ज्ञान है, इसको भी तो आपने सीखा ना, जब सीखने की प्रवृत्ति रखी तब सीखा ना। तो सर सीख के आगे बढ़ो ना। जब आप सीख के आगे बढ़ोगे तो जो आपके साथ घटित हो रहा है वो आप दूसरों के साथ घटित नहीं होने दोगे। आप ऐसे व्यक्ति बनो ना सर कि जहाँ आप समस्या से निदान देना चाहते हो और लेना चाहते हो तो खुद निदान देने वाला बनो सर। आपको महसूस हो कि आपको लोग पूछे, आपको लोग पूछे, आपको लोग जाने, आपसे लोग आए और राय और विचार विमर्श करें कि सर मुझे यहाँ ये करना है। आप ऐसे क्यों नहीं बनते? कितने अप्लाइन बदलोगे सर? मार्केट में बहुत सारे अप्लाइन मिल जाएंगे आपको। आज कल कोई और $15 लेके आपका जाएगा, फिर 10 दिन बाद आपकी उससे भी नहीं पटेगी, फिर तीसरा अप्लाइन बदलोगे। कितने अप्लाइन बदलोगे? मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ सर। वो सर ये अप्लाइन यहाँ आप सर ये मंच अप्लाइन बदलने और ना बदलने के लिए नहीं चलाया जाता है। ये मन चलाया जाता है सिस्टम का जो प्रोसेस है, जो इसका फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पे लोग काम कर रहे हैं, इतने लाखों लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी आप चाहो, ये कैसे काम करता है, 2x2 की मैट्रिक क्या होती है, कैसे सिस्टम में ऑटो पूल किस बेसिस पे आता है, आप वो जानने की कोशिश करो। लोग तो यहाँ पैसा लगा देते हैं उसके बाद सुनते ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे सब पे उपकार कर दिया हो। हमने भी लगाया है, हमको नहीं समझते कि हमने पैसा लगाया, हम यहाँ लगवा रहे हैं सर। आपने 2500 रुपए लगाए हैं उसकी वैल्यू समझो सर। अगर उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो तो ऐसे न जाने कितने 2500 लगवाने वाले आएंगे और आप लगाते रहोगे, अप्लाइंग बदलते रहोगे। खुद काबिल बनो सर। खुद जब काबिल बनोगे तो 10 और लोगों को काबिल बना पाओगे सर। इसमें अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो अब छोटे छोटे सवाल क्या बोला जा रहा है सर। आप मंच पे आओ भाई साहब, आप मंच पे आ रहे हो ना, यहाँ सपोर्ट देने वाले हैं। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? आप हमको पैसा दे रहे हो क्या बोलने का, बताने का? नहीं सर। तो उसको समझो ना सर, ये मंच क्यों चलाया जा रहा है। आप आओ, डेली आओ, डेली इस मंच पे बैठो, 1 महीने बैठो लगातार, देखो आप अपनी अपलाइन से आगे निकल जाओगे। जब सीखने की प्रवृत्ति नहीं होगी, केवल आप बैसाखी लेके टहलोगे तो कब तक आगे बढ़ोगे? एक दिन बैसाखी टूटेगी और आप गिर जाओगे। उसी आईडी पे काम करो सर, उस बंदे को भी दिखाओगे तुमसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। ठीक है सर। काबिल इंसान हमेशा प्रेरक बनता है। आप उस बंदे को ही दिखाओ ना जो आपकी अपलाइन आपका सहयोग नहीं कर रहा है, उससे बेहतर काम करके दिखाओगी। मेरी क्षमता है कि मैं तुम्हें पैसा दिला सकता हूँ। ये गट्स रखो सर, तब कामयाब बनोगे। ठीक है सर। मैं आपसे अगर बात करता रहूंगा ना तो ये रात बीत जाएगी और ना हम खाना खा पाएंगे ना सो पाएंगे। आपकी मर्जी है सर। अब आप नहीं मानोगे तो बदल लो सर, 4-6 बदल के फिर आना, फिर पूछना किसको बदलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा समझो सर, समझो दोस्तों। मुझे हैंड राइट सब दिख नहीं रहा है। अब हम सर एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए सर। जी सर, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, हैंड राइट दिखेंगे आपको। जी 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 जी, ओके सर। हाँ मुझे हैंड राइट सर, मैं बुलाना चाहूंगा उत्पल विश्वास जी को। उत्पल विश्वास जी आइए सर।
उत्पन्न विश्वास जी। हेलो, वेलकम। जय डार्लिंग लाइव। बोले है एक तो हमारा दादा है जामे वो है उसके बूस्ट ब्लू सफर कर दिया ठीक है, उसके बाद 2.0 अपडेट नहीं करा अभी तक ठीक है, उसका यदि करेंगे $90 में भरेंगे क्या होगा, होगा ना नहीं होगा? अमित सर आइए सर, वेलकम अमित सर। सर एक बार फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। बोल रहे हैं अमर जामा बाबू मैंने ब्लू सफर कर दिया ठीक है, उसके बाद 2.0 में अपडेट नहीं करा, ऑटो में करेंगे $90 में अपडेट हम करेंगे, कोई समस्या है ना नहीं? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने 2.0 में देखिए हमको जो फार्मिंग हो रही है वो केवल दोनों प्लान के पहले रैंकों पे हो रही है $30 से और $60 से, आपने पहले रैंक में तो सारे रैंक कर लिए, उन रैंकों से मतलब नहीं है, आप ओपल किए हैं पुरानी आईडी पे, आप वहां पे $30 की फार्मिंग करेंगे, आपने नई जो आपने 2.0 में अपग्रेड एक भी रैंक पे नहीं किया, आपको पहले रैंक से मतलब है, आप वहां पे करेंगे तो भी आपकी फार्मिंग हो जाएगी ठीक है सर। अरे तो एटो की येलो स्पीड आएगा जो फार्म जो करेंगे एटो डॉलर की स्पीड आएगा वो ऑटो पुल तो। अब सर ये क्राउड पे देखिए, ये देखिए प्रोसेस क्या है सर, क्राउड आएगी, आप आए थे, सिस्टम पीडीएफ में क्या बोलता है, आप $30 लगाओगे, वही $30 जो तरीके हैं काम करने के और जिसको लोग बिना काम का समझ लेते हैं वो भी काम करने से आता है ऑटो पुल, तो जो तरीके हैं उस तरीके से आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 100% पैसा बट गया, किसमें बटा, पब्लिक में ही बटा है, सॉफ्टवेयर को वो कमांड दी गई कि पब्लिक में वो 100% बांट देगा, तो जब आपके बाद वाले काम करेंगे सर तो आपको आपके ऑटो पुल की स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइमिंग क्या है ठीक है सर, आपके बाद आने वाले लोगों से आप पहले हो तो उनसे पहले आपका पुल क्रिएट होगा आएगा, अब उसका जो दो का मैट्रिक है सर, कभी कापी पे बैठ के उसका पेड़ बनाइए कि कैसे ये बढ़ता है, हम लोग प्रैक्टिकली नहीं समझना चाहते, हम लोग केवल लोग बता देते हैं और उसी पे विश्वास करते हैं ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद तार्किक ढंग से समझना भी जरूरी है सर, या उसके पहले भी समझना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम 3 दिन ब्लू सफायर करते हैं, जरूरी ये है कि हम ब्लू सफायर कर रहे हैं या कोई रैंक कर रहे हैं तो उस पैसे को निकालने का जो तरीका है क्या हम उसमें फिट बैठते हैं, हमारा इच्छा गवाही दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, सिस्टम ने बहुत सारे लोगों के 10-10 पूल क्लियर किए हैं सर, तो हम ये कह रहे हैं हम भी जब आए थे तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई वो ऐसा कोई ज्ञान पिला दिया गया था कि हमको बहुत ज्यादा ज्ञान था, हमने भी समझा कि कैसे ये, क्योंकि सिस्टम जो बोल रहा है जो ये टॉलविन सिस्टम बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि सर आप $30 लगाओगे तो $15 आपके स्पॉन्सर को जाएंगे, आपके नीचे कोई लगाएगा आपके डायरेक्ट में आपके रेफरल आईडी से तो $15 आपको आएंगे, ये हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, $7.50 किसी व्यक्ति का $30 में से $7.50 उसके ऊपर की 10 अपलाइन को जाएगा, ये हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, बचा $7.50 वो पूल में जाएगा, कैसे जाएगा, टाइम प्रोसेस के आधार पे जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि कौन पहले आया है और कौन बाद में आया है, बाद वाले का ही पहले वाले को देता है सिस्टम, ये पहले आओ पहले पाओ का बेस है, हमें इन सारी चीजों को सर समझना होगा और उसको एक बार में ही माइंड में बिछा लेना है, क्योंकि हमारी सोच से पैसा नहीं आता, अगर सर सोच से पैसा आता तो टॉलविन में पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, अपने घर में बैठे रहते 2 करोड़ सूद लेते आपके जेब में आ जाता, काम करने की जरूरत है सर और प्रोसेस को समझने की जरूरत है ठीक है सर। नेक्स्ट लीजिए सर। जी सर थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर हो गया था, मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा प्रणव झा। प्रणव झा जी प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। नमस्ते सर,
लगभग ढाई मंथ पहले हम ज्वाइन किए थे। जी जी, ढाई मंथ पहले सर ज्वाइन किए थे। तो फार्मिंग के लिए सर ऐसा कुछ जरूरी है कि हमको फिर से इन्वेस्टमेंट करना होगा? अगर नहीं करें तो फिर कोई प्रॉब्लम है क्या उससे? सर फार्मिंग तो सबको करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो कॉइन लॉन्च होगा वो कॉइन आप परचेस नहीं कर पाएंगे। कॉइन नहीं करेंगे अगर बिहार हमको पुल मिलेगा बिना कुछ किए हुए, तो अगर उसको हम क्या वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिना कुछ किए हुए या बिना फार्मिंग किए हुए वो तो पुल हमको सिस्टम से मिलेगा? सर जो आपने जो पहले कर रखा उस पे तो आपको ऑटो पुल मिलेगा ही, लेकिन जो कॉइन लॉन्च कर रहा है सिस्टम 25 जून को, तो उसके लिए जो फार्मिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है उसको सभी को कंपलसरी है। सर मेरा जैसे ढाई महीना मान लीजिए, अगर ढाई महीना हो गया है और ढाई महीना में अभी तक उनको एक भी ऑटो पुल नहीं मिला है, तो हम अब आपने ग्रीन लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम वेट कर सकते हैं ना, कि पहले हम देख लेते हैं ऑटो पुल मिलता है कि नहीं, तो फिर फार्मिंग करेंगे 25 जून के बाद करेंगे या फिर बाद में, या मान लीजिए हम नहीं करें, मेरा इच्छा है कि हम फार्मिंग नहीं करें, हमको क्वाइन नहीं लेना है, तो क्या हमको पुराने भी मतलब जो प्लान है उसके अंतर्गत वो मिलेगा कि ऑटो पुल मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। सर पीडीएफ में आपने देखा है टॉल बिन का? हाँ देखे हैं सर। उसमें कहीं टाइम लिखा है? नहीं टाइम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? कोई लिमिटेशन नहीं है सर, अगर आप क्राउड फंडिंग को लिमिटेशन में बांट दोगे तो फिर तो आप गलत गतिविधि में काम कर रहे हो। देखो सर तरीका क्या है, लोगों का पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में चंदों के रूप में जा रहा है, ऐसे सोचो छोटा छोटा योगदान। आपको $1.50 देने के लिए कितने लोग आएंगे? दो लोग, मैट्रिक दो की है, दो लोग कौन लोग होंगे? जिनके $7.50 पूल में बटेंगे। अब वो $7.50 दस लोगों में बटेगा 0.75 करके, आपको $1.50 आता है ना दो लोगों से, तो 0.75 ही हुआ एक लोगों से ना। अब आपको चार लोग आएंगे तो आपको $3 देंगे, क्योंकि सेकंड किस $3 की सिस्टम ने जो प्रोसेस बनाया है, जो तरीका बनाया है दो की मैट्रिक पे, तो चार लोग 0.75 करके देंगे तो $3 आपको आएगा। अब वो चार लोग केवल आप ही के नीचे तो आएंगे नहीं, फिर मैं पहले आया हूँ तो मेरे नीचे तो आएंगे नहीं, क्योंकि सारे लोगों को पूल देना। अब वो सॉफ्टवेयर तय करता है कि कहाँ वो फिट बैठ रहा है टाइमिंग के अनुसार, क्योंकि हम आप हमारी आपकी जो गणती जो जो गणना है अंक गणित है वो हम सीधा सीधा जानते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो माइनट से माइनट चीजों को भी हजारों लाखों गुना भागों में बांट सकता है, एक सेकंड को भी कई गुना में बांट सकता है। हो सकता है एक ही सेकंड के अंदर हजारों भाग हो, उसमें हजारों लोगों की ज्वाइनिंग हो, तो वो तो उसको देखेगा ना सर, क्योंकि टाइम के आधार पर ही हमारा पूल आता है। तो टाइम क्या होगा फ्यूचर ना आपने देखा ना हमने देखा है, लेकिन इस फ्यूचर उस समय भी सिस्टम में किसी ने नहीं देखा था जब ये 25 जनवरी को चालू स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतने लोग आए ना सर, आपको महसूस हो रहा है ना कि पब्लिक है इस सिस्टम में, तो ऐसे ही भरोसा रखिए सर, ऐसे ही धीरे धीरे लोग आते रहेंगे और पहले वालों को मिलता रहेगा। ओके सर थैंक यू। ग्रेट सर ग्रेट। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा संजय सिंह, संजय सिंह जी हैं बिहार से, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार वेलकम सर। ये थोड़ा क्लियर कर देते सर कि अपना जो हम लोग बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट पे जो मतलब अपना लेंगे $100 या $300 जो स्टेकिंग करेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा सर, कैसे लेंगे हम लोग? सर आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगा, मिस्टर संधू सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए सर पूछिए, दोबारा से पूछिए प्लीज। सर मेरा ये सवाल है सर कि हम लोग जो पॉइंट जो स्टेक के लिए हम लोग जो डॉलर लेंगे $100 या $300 सर, देखो जो भी चीज हमारे बीच में आ रही है आप एक चीज का ध्यान रखें, उसको
आप अगर $30 से कर ली है फार्मिंग, तो आप मिनिमम खरीद सकते हैं $50 का, मैक्सिमम खरीद सकते हैं $100 का। उसको रखना कहाँ है? ट्रस्ट वॉलेट पे जाइए, डिसेंट्रलाइज साइट है, वहां पर आप अपने अपना एक वॉलेट क्रिएट कर लेना है, उसकी की को संभाल कर रखना है। उसके अलावा जो आपको यहाँ उसमें अलग से वो दिखेंगे, USDT को सिलेक्ट करना है, BEP20 को, ठीक है जी सर। BEP20 का जो नेटवर्क है, ब्लॉकचेन है, उसको सिलेक्ट करके वहां पर रख लेना है अपना $100 वहां पर रख लीजिए। मिनिमम 100 रख, 50 रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। और आपके अगर आपने 60 से भी की है तो 300 और रख लीजिए, अगर 300 से करना चाहते हैं। टोटल $400 आपका USDT में, और जो आपका BNB है कम से कम $3 से $4 का होना चाहिए, ठीक है सर। आप इसको ट्रस्ट वॉलेट पे रख लीजिए, क्योंकि सिस्टम ने कहा है डिसेंट्रलाइज साइट पे होगा। ये डिसेंट्रलाइज साइट हम बहुत सी हैं, ठीक है, बट ट्रस्ट वॉलेट पे आप करके रख लीजिए, वहां पर भी होगा, ठीक है। ठीक है सर, तो इसका थोड़ा सा वीडियो एक बार दिखा देते सर, प्रोसेस कैसे क्या होगा, हम लोग आज तक किए नहीं सर। देख लीजिए सर, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर जी। ये आपका USDT है सर, ठीक है। हाँ जी जी, ये देख लीजिए, T लिखा हुआ आगे USDT, और ये आपका BNB है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर रखना आपने, ठीक है। ओके, रखना कैसे है वो भी देख लीजिए सर, ये रखा हुआ देख लीजिए, दिख रहा है जी जी, 786 दिख रहा है। हाँ, नीचे BNB भी दिख रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे रखना, ठीक है। और अगर किसी ने अपना वॉलेट बनाना है वो भी देख लीजिए, नया क्रिएट करना है जिसने, ये प्लस के निशान पे जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, मैन्युअल पे क्लिक करना है, 1 2 3 इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा है जी। उसके बाद आपको की दिखेगी, उसको कॉपी करना है, बैक जाना है, आई हैव ऑलरेडी वॉलेट पे जाना है, BNB स्मार्ट चेन को क्लिक करना है, और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना है, आपका एक नया वॉलेट बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है जी सर। और यहाँ पर ऊपर जैसे ही आपका नीचे लिखा हुआ ऐड टोकन पे जाना है, USDT इसको लिखना है, और ये देखिए USDT 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाना है, और जो आपको लग से दिख रहा है उसको हटा देना है जी। ये ऐड टोकन पे गए, ये हटा देना है, ये दोनों रखने हैं, ठीक है। नीचे जो USDT दिख रहा है इसमें आपके $400 होने चाहिए, जिसने 100 से करना वो 100 होना चाहिए, और ऊपर $5 या $5 से ज्यादा आपका BNB होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, और कुछ पूछना हो? नहीं सर, थैंक यू सर। ये करके रख लीजिए सर जी। ग्रेट सर, ग्रेट संधू सर, ग्रेट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, महेश पुरिया जी हैं, महेश पुरिया प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है महेश पुरिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया आपने इतने बड़े मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। बेसिकली क्या है, मीटिंग में आने से मेरे तो सवाल पैसिव ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, बट ये है कि फिर भी लास्ट में अभी जो बताया सर ने ट्रस्ट वॉलेट पे, जैसे जी यही मेरा सवाल था, तो एक्चुअल में क्या है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो मेरे को क्या अच्छा लगा,
क्योंकि क्या है ट्रस्ट वॉलेट तो ऑलरेडी हम पहले से भी चला रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से करना है ये थोड़ा सा तरीका हम जानना चाह रहे थे। तो बाकी अच्छा लगा सर, इंस्टॉलमेंट लाइफ जैसा बेस्ट सिस्टम आज तक ना देखा है ना कभी आगे मिल सकता है। तो आप सभी जितने भी मान गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं तो सीखने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर, मेरी अपलायन ग्रेट अपलायन मिस्टर नाजिर सर उनकी टीम से हूँ सर, और इस सिस्टम में लगभग मेरे 3000 लोगों के प्लस का टीम है और सभी लोग मिलकर के बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस सिस्टम से जो पैसा कमाया आज तक किसी सिस्टम से पैसा नहीं कमाया। थैंक यू सर, थैंक यू, गेट ऑल द लाइफ सर। ग्रेट सर, ग्रेट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धीरू भाई बजारिया प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। धीरू भाई बजारिया जी प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उमेश जी का हैंड राइज है। उमेश जी प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। उमेश जी। जी सर नमस्कार, जय टॉलविन। जय टॉलविन, वेलकम सर। सर मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, आपके अपलाइन? अपलाइन है विनय गुप्ता जी। जी गोरखपुर से ही है। जी जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी टीम 500 की है। जी बोलिए बोलिए सर। ब्लू सफायर मैंने किया हुआ है और 2.0 में एलेक्जेंडर किया हुआ है, और ये जो आज मेरे जो जो इसकी फॉर्मिंग हुआ है सर, तो इसमें 6 लोग सीट फार्मी में डायरेक्ट में गए हैं। जी तो सर ये जो लेवल इनकम मिलेगा सर, जी वो लेवल इनकम नहीं मिलेगी क्या सर? आपने किया है सर पहले? जी सर मैं तो सीट फार्मिंग दोनों ओपल में भी किया हूँ और 2.0 में, दोनों में 30-90 डॉलर से मैं किया हूँ। आपकी मेन आईडी पे किया है आपने? मेन आईडी पे ही सर मैं किया हूँ। जी जी सर, मिलेगा सर आपको। तो कहीं से कोई रुकेगा सर नहीं ना? नहीं नहीं, छह लेवल की इनकम आएगी। ठीक है सर। जी सर डायरेक्ट है ना? जी 6 डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो 6 लेवल तक की इनकम आएगी, 8वें 9वें और जो जैसे देखिए आपको जो लेवल इनकम सर 11 लेवल तक बट रहा है ना। सर सुनिए, तो पीडीएफ में जो चीजें दी हैं आपने पीडीएफ सही से देखा होगा, तो वहाँ पे जो आपको टीम से इनकम आ रही है दूसरे लेवल से लेके 11वें लेवल तक, टोटल दूसरे से 11 10 ही लेवल हुए ना सर, इनकम तो 10 ही लेवल में बटेगी। पहले लेवल में सर, पहले लेवल में आपको स्पॉन्सर इनकम मिल गई, दूसरे से लेके 11 तक टोटल ये 10 लेवल होंगे, 2 से काउंट करेंगे 11 तक तो टोटल 10 ही लेवल होते हैं। जी सर वो तो आपको सर आपको सेकंड लेवल की इनकम लेनी है जी, तो आपको 1 डायरेक्ट करना होगा। थर्ड लेवल की इनकम लेनी है 2 डायरेक्ट करना होगा जी। फोर्थ लेवल की इनकम लेनी है 3 डायरेक्ट करना होगा। फिफ्थ लेवल की इनकम लेनी है 4 डायरेक्ट कंपलसरी है। सिक्स्थ लेवल की इनकम लेनी है 5 डायरेक्ट कंपलसरी है। सेवंथ लेवल की इनकम लेनी है 6 डायरेक्ट कंपलसरी है। अब आपके 7 लेवल में जो लोग होंगे आपने दोनों किया है तो 1.0 और 2.0 सब में देखे जाएंगे, बाकी के जो लेवल बच रहे हैं 4, उन चारों में 4 और आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। आपके पास अभी 48 ये जो अभी 2 बजे से आपने देखा फार्मिंग का, उस समय से लेके अगले 48 घंटे तक आपके पास समय है, हाथ पैर मारिए, आपके पास टीम है, आपका फ्लैश आउट नहीं होने पाएगा। ठीक है सर। सर वो ठीक है, मेरा क्वेश्चन सर ये था, जो ये पीडीएफ सर आई है ये पहले पता होता तो सर हम लोग जैसे उसी पे काम किए होते हैं। सर किसी हमें भी नहीं पता था सर, मैं तो गोवा गया था, मुझे भी नहीं पता था, तो क्या करें, नहीं करें फिर। नहीं वो तो ठीक है सर, और ये एक चीज सर क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए मैंने जो 6 किया डायरेक्ट में, तो उसमें 3 तो 2.0 में ही है भी है, जैसे वो 37-90 डॉलर से हुआ है, और बाकी जैसे 3 जो डायरेक्ट में है
जिसमें सर सिर्फ उसको जो सीट फॉर्मिंग हुआ है सिर्फ वो $30 से हुआ है जी। तो जहाँ जहाँ जैसे हुआ है सर उसी हिसाब से आएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। जहाँ जहाँ अगर आपने आपके डायरेक्ट में 6 लोग ओपल किए हैं 1.0 का, तो ओपल 1.0 की $30 वाली फार्मिंग के नीचे जितने लोगों ने आपकी टीम में $30 वाली करी होगी तो आपको उतने लेवल की इनकम आएगी। उसमें 3 लोगों ने करी है तो यहाँ से दूसरे तीसरे चौथे लेवल की इनकम आएगी, उसके बाद वाली फ्लैश आउट हो सकती है सर। मतलब थोड़ा सा सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि 10 डायरेक्ट 2.0 में भी करना पड़ेगा और 1.0 में भी 10th करना पड़ेगा। जरूर सर, उसमें लिखा है सर, उसमें दोनों लिखा है फॉर्म 1 और फॉर्म 2। वो तो मैं इसीलिए मंच पे आया हूँ, वो मैं पीडीएफ पढ़ा हूँ तभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी पहले से हुई होती तो। सर आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमें पहले नहीं बताया गया सर, अब इसके लिए तो अब हमारे लिए अलग से फिर व्यवस्था तो आएगी नहीं। अगर जो व्यवस्था है सभी लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं तो आप भी स्वीकार कर लीजिए, थोड़ा हाथ पांव मार लीजिए सर। अगर हम इसके चक्कर में बैठे रहेंगे या उसका उस हिसाब से सोचते रहेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। आपको तो अपना पैसा बचाना है ना सर, अब क्या कर सकते हैं सर, इसमें आप ही बताइए। हमने आपसे क्वेश्चन करे सर कि हम जी अच्छी खासी जैसे सीट फार्मिंग हुई है, टीम बिल्डिंग की अच्छी खासी इनकम आने वाली है सर, अब इसी पे थोड़ा सा ये सर करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। दीपचंद सर नेक्स्ट लीजिए। जी सर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर आपको हैंडराइट दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। हाँ जी दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं बहुत सारे हैं सर। दोबारा लेफ्ट होना पड़ेगा सर, है ना? दिनेश कुमार जी। ओके ओके सर। दिनेश कुमार जी वेलकम सर, वेलकम। दिनेश कुमार जी मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। दिनेश कुमार जी प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बोलिए, माइक ओपन कीजिए सर। कौन से? दिनेश कुमार। मैं अप्लाई महेश पुरिया सर एमपी से। मैं तो ये बोलना चाहूँगा सर कि प्लेटफार्म बहुत ही शानदार और लाजवाब है, और बाकी सीखने की कमी है। जितने भी अपलाइन और गुरुदेव हमारे जो बैठे हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसी शिक्षा कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बाकी लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी कम आ रहा है, लेकिन मैं अप्लाइन से डिस्कस करता हूँ, मीटिंग में सुनता हूँ, उसके बाद अप्लाइन से डिस्कस करता हूँ जी सर ये बताओ इसका कैसे होगा, तो हमारे को बताते हैं। उनको नहीं पता होता है तो वो ऊपर अपलाइन से पूछते हैं, लेकिन यहाँ मंच के ऊपर बहसबाजी नहीं, सीखने से ही कुछ मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या है, एक दान पेटी है, दान पेटी के अंदर हम दान करते हैं और उस दान से हम अपना दान वापस करना चाह रहे हैं तो उसका वेट करना पड़ेगा और उसके अंदर वर्क करना पड़ेगा। अगर फास्ट चाहिए तो, और फास्ट नहीं चाहिए तो उसका वेट करना पड़ेगा। अगर उनने दान पेटी में डाला है तो 12 महीने के बाद भी मंदिर की पेटी खुलती है, उसमें करोड़ों रुपए निकल के आते हैं। तो ये हमारा एक तालमेल लाइफ है और इसके अंदर ऐसे ही दान पेटी की तरह करोड़ों रुपए निकल के आते हैं, और जिसने समझा है तो करोड़ों निकल के आएंगे, निकलते रहेंगे। जय तालमेल, जय तालमेल लाइफ।